डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर सीरीज़ कौन कौन देख सकते हैं? कोई भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो भी जिनके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इसको देख सकते हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जब प्राइवेट जॉब में भी जाओगे, जो टेक्निकल राउंड होता है इंटरव्यू में, उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे ये लेक्चर बहुत ही, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, बहुत बेनिफिशियल होगा। और कोई भी स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानने का, वो भी इसे ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है क्या। तो एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कंडक्टर्स में फ़्लो करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमी कंडक्टर, मेनली जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ़्लो करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का बिहेवियर की स्टडी की जाती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, इसका स्टडी किया जाता है। और जितने भी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिल के बने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मटेरियल बताया गया है, इसमें मेन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल होंगे, वो हम लोग मेनली किस में स्टडी करेंगे, सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पूरा ये देख लेंगे कि मटेरियल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अगर बाहर से इसमें वोल्टेज लगाया जाए, वोल्टेज अगर अप्लाई किया जाए, तो उसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं। अब बताओ करंट कैसे फ्लो करता है? जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल्स हैं, उसको हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर, सेकेंड इज़ सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज़ इंसुलेटर। तो कंडक्टर मतलब कि चालक। तो कंडक्टर क्या होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। तो कोई भी मटेरियल होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी कब होगी? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स सफिशियंट अमाउंट में रहेंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब उसमें बाहर से जब तुम सप्लाई दोगे वोल्टेज का, तो क्या होगा, वोल्टेज के कारण उस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। मतलब कि कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। मतलब अच्छी नहीं होती है मतलब कि तुम जीरो कह सकते हो, क्योंकि इसमें चाहे तुम जितना भी वोल्टेज लगा लो, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और सेमी कंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर सिंपली डिफाइन करना चाहो तो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल डिफिनीशन हो गया, लेकिन क्यों ऐसा होता है वो हम लोग देखेंगे। इंसुलेटर में तो समझ में आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, इसलिए होता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है। ठीक है, अब देखो, केमिकल कंपोजिशन से अगर हम लोग समझें, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। कंडक्टर के एग्जांपल हैं
जितने भी मेटल्स होते हैं सारे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये, देखो ये बनाया हुआ है कंडक्टर और इंसुलेटर बनाया हुआ है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो सोडियम लिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 2, 8 और 1, 2, 8 एंड 1। तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल पढ़े होगे केमिस्ट्री में, वो क्या कहता है? कहता है कि कोई भी एलिमेंट है तो वो चाहता है कि उसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। वैलेंसी सेल मतलब संयोजी कोष, मतलब कि उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो वही ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? ये रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही, तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही हम इसको बाहर से जब सप्लाई देते हैं तो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही किसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण हमारा करंट फ्लो करता है। अब देखो ये, देखो ये इंसुलेटर का दिखाया। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि इनके जो बाहरी सेल रहता है, इसको वैलेंसी सेल बोलते हो या संयोजी कोष बोलते हो, उसमें देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब ये जो बाहरी सेल रहता है ये पूरा का पूरा फिल रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन जनरली होता है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो सारे फुल रहते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, जिससे हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर और ये हो गया इंसुलेटर। अब जो सेमी कंडक्टर होता है, अगर उससे को देखो तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, एक मिनट, देखो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि इसके हमारे संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो सिलिकन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40। तो जब इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा? 2, 8, 4 होगा। अब देखो 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या ट्राई करता है कि उसके बाहरी कोष में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके पास देखो दो ऑप्शन है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तब भी 2, 8 हो जाएगा, या ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और पा जाए तब भी ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 चाहिए और इसके पास 4 है, तो ये क्या हो गया? ना तो ये पूरा कंडक्टर टाइप का हुआ और ना ही ये पूरा इंसुलेटर टाइप का हुआ। इसीलिए जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं उनके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका, जैसे ये देखो सिलिकन का क्रिस्टल लैटिस लिया, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या हुआ कि सारे सिलिकन एटम एक दूसरे से किसी बॉन्ड के थ्रू बंधे रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, जनरली कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब हिंदी में बोलोगे तो सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब क्या होता है कि जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका शेयरिंग होता है। जैसे देखो ये एक सिलिकन का एटम था, इसके में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, 2, 3 और ये 4, ठीक। अब ये जो था इसके भी कितने थे? 4 थे, मान लो ये 1, 2, 3 और 4। अब ये क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये क्या करेगा कि अपने चारों तरफ जितने भी 4 और सिलिकन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके चारों क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके जो चारों तरफ है, तो इस तरीके से शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके में भी क्या हो गया कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब कि ये बैलेंस अवस्था में ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन ये जो इतनी एनर्जी के साथ ये जो न्यूक्लियस है सिलिकन का, ये जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है इसको इतनी एनर्जी से टाइट नहीं किया रहता है कि ये बाहर ना निकले। इसको रूम टेम्परेचर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं। तो अब जब यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं के कारण कंडक्शन होता है। अब देखो इंसुलेटर्स में क्या होता था कि सबके बाहरी कोष पूरी तरीके से फिल रहते थे, तो उसमें क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाओ तब भी क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते थे। इसलिए उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होता था।
कंडक्टर्स में क्या होता था कि उसमें बाहरी कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते थे जो इजीली बाहरी कोष को छोड़ के बाहर चले आते थे, फ्री हो जाते थे, इसलिए उसमें इजीली करंट फ्लो होता था, ठीक है। और उसका अब यहाँ सेमी कंडक्टर्स में क्या है कि चार इलेक्ट्रॉन है, तो जब थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग उसकी सहायता से समझने का ट्राई करेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से समझने का ट्राई करेंगे। अब देखो ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर तीनों का ये एनर्जी बैंड डायग्राम बना है। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है एक्चुअली, देखो इसमें देखो ये क्या लिखता है, VB लिखता है वैलेंसी बैंड, और यहाँ पर लिखता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल बाहरी कोष के पास होती है, वैलेंस सेल होता है और वही उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बैंड बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी लेवल होता है वैलेंसी बैंड। तो देखो इंसुलेटर्स में क्या रहता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप अधिक रहता है, मतलब गैप अधिक होने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत रहती है, इसी कारण वो क्या होता है फ्री नहीं हो पाता है और करंट कंडक्शन नहीं करता है। देखो कंडक्शन बैंड का मतलब कि कंडक्शन कराने के लिए, अब कंडक्शन कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो कंडक्शन कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन है तो उस टाइम उसके पास कितनी एनर्जी है वो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है, अब देखो इसमें गैप अधिक रहता है इंसुलेटर में, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। सेमी कंडक्टर्स में अब देखो, यहाँ देखो पहले कंडक्टर में देखो, कंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो जो वैलेंसी बैंड के ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली फ्री हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो गैप रहता है दोनों बैंड के बीच में वो होता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए ईजिली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में कम रहता है जो बैंड गैप रहता है या जो एनर्जी गैप रहता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कम रहता है, इसलिए जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब कि ये फ्री हो जाता है, जैसे अभी इस डायग्राम में दिखाया था मैंने, इस डायग्राम में देखो ये क्या होता था कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सॉरी इस डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कंडक्शन हो पाता है। तो ये हो गया। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि सिलिकन और जर्मेनियम इन दोनों के लिए ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये कितना कितना होता है, और इंसुलेटर मटेरियल्स के 3-4 एग्जांपल्स बताना, और बताना कि डायमंड में कितना गैप होता है एनर्जी बैंड गैप में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से, एनर्जी बैंड गैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि मटेरियल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और इनको हम लोगों ने दो तरीके से समझना चाहा, एक एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से और दूसरा इसके केमिकल कंपोजिशन की सहायता से, मतलब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसकी सहायता से, कि क्यों ये इंसुलेटर होता है, क्यों ये सेमीकंडक्टर होता है और क्यों ये कंडक्टर होता है। अब देखो इंसुलेटर के भी अपने फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं इंसुलेटर, जैसे एग्जांपल देखो प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। अगर इसमें तुम बैटरी लगा के अगर सप्लाई दोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई हमारा, अब कंडक्टर के एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हो गया, कंडक्टर के एग्जांपल हो गए। अगर समझो कि हमारे पास कॉपर का वायर है, अगर ये नेकेड हो तो क्या होगा, हमें शॉक लगेगा, इसीलिए इंसुलेटर की इस वायर के ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेटर की कोटिंग करते हैं, प्लास्टिक, कोई भी तार देखते हो उसके ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी रहती है, वो क्यों चढ़ा रहता है, इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर रहता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगा नहीं। अगर समझो कि अगर प्लास्टिक भी कंडक्टर रहता तो फिर उसमें भी करंट फ्लो होता और तुम्हें शॉक लगता, तो इसलिए इंसुलेटर्स का भी अपना इम्पोर्टेंस है।
क्योंकि इसके बिना हम लोग वो नहीं कर पाते, टच नहीं कर पाते वायर को। ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी समझ सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि कोई भी ऐसा मटेरियल अगर उसको हीट किया जाए तो वो गर्म हो जाए। जैसे कोई भी अपना बर्तन देखते हो, पॉट जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, उसमें क्या होता है कि एक साइड पे हम लोग हीट देते हैं, नीचे गर्म करते हैं और वो पूरा मटेरियल गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि उसमें थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। जैसे अपना कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, उसमें भी क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो थर्मल कंडक्टर नहीं रहते हैं उसका हत्था लगाते हैं, जैसे प्लास्टिक का पकड़ने वाला लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं, तो उसको वहाँ से तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वैसे अपने काम का है नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि सेमी, अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? सेमी कंडक्टर्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ना है? सेमी कंडक्टर्स के बारे में ही मेन पढ़ना है, ठीक। अब देखो सेमी कंडक्टर्स हमारे मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर, और इंट्रिंसिक को बोलते हैं इम्प्योर। प्योर मतलब कि शुद्ध और इम्प्योर मतलब कि अशुद्ध। मतलब प्योर मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपल कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल होगा, उसका क्रिस्टल लैटिस होगा, इसमें कोई और दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं होगा। जैसे जो ये एग्जांपल दिखाया गया था, इसमें क्या है? केवल सिलिकन है। ऐसे ही केवल क्या होगा? केवल सिलिकन का लैटिस होगा, केवल सिलिकन एटम एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से बंधे रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मतलब कि शुद्ध सेमी कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इम्प्योरिटी मतलब कि अशुद्धि ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग, ठीक है। अब डोपिंग के किस मटेरियल की डोपिंग करते हो उस पे डिपेंड करता है कि वो पी टाइप बनेगा कि एन टाइप बनेगा, ठीक है। डोपिंग करोगे तो डोपिंग करने के बाद हमारा दो टाइप का सेमीकंडक्टर बन सकता है। अब जब उसमें डोपिंग कर दिए तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया, और किस टाइप के मटेरियल से डोपिंग कर रहे हो उसके बेसिस पे ये दो टाइप का हो जाएगा, एक पी टाइप हो जाएगा और एक एन टाइप हो जाएगा। पी का यहाँ पर मतलब है पॉजिटिव और एन का मतलब है यहाँ पर निगेटिव, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और समझ लो। अब देखो कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर या कम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस या कम टेम्परेचर पे ये जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन थे इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा, मतलब कि वो कैसे वर्क करेगा? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो मैं पहले ही बताया था कि बाहरी कोष से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का डिफिनीशन ही पढ़े थे कि इसमें क्या होता है कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है। वो इसीलिए फ्लो हो पाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो वहाँ पे चूँकि कम होता था कंडक्टिविटी, तो उसी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। अब देखो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, देखो डोपिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा बताया है कि क्या है, देखो ये इसमें क्या है, सारे सिलिकन है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया गया है। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखो ये क्या लिया है, एक इसमें क्या डाला है, पी मतलब फास्फोरस। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 15, मतलब ये कितना हो गया? पेंटावेलेंट हो गया। पेंटावेलेंट मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो देखो
बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पाँच। तो इसके जो बाहरी कोश में पाँच इलेक्ट्रॉन थे, चार तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो पाँचवा इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा फ्री। ठीक है, अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा कंडक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब इसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि अगर हमें एन टाइप का मटेरियल चाहिए तो उसमें हम लोग कैसा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके बाहरी कोश में पाँच इलेक्ट्रॉन हो, या पेंटा, उसी को क्या बोलोगे, पेंटावेलेंट। मतलब अब इसी को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी का मतलब, डोनर मतलब कि देने वाला। ये ऐसा इम्प्योरिटी होगा जो हमारे, जो हमको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब कि देखो, इसके में पांच थे, चार तुम्हारा बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया, जो कि एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और उससे हमारा कंडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एन टाइप, और ये देखो तुम्हारा क्या है, पी टाइप है। ये पी टाइप कैसे हो गया, अब देखो इसमें लोग बोरान की डोपिंग करते हैं, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है पाँच होता है। तो इसके में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, एक एक ये, दो ये और तीन ये, तो तीनों तो बॉन्ड बना लिया, और चौथा यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स मतलब कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इसको अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर कैसे करते हैं कि ये पॉजिटिव एक चार्ज पार्टिकल हो गया, मतलब कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल को पी टाइप बनाना होगा, तो उसमें कैसे मटेरियल की डोपिंग करेंगे, जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट एटम। क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट एटम, हिंदी में क्या बोलोगे, त्रिसंयोजी परमाणु। ठीक है, तो इस त्रिसंयोजी होगा तो क्या होगा, तीन बॉन्ड बना लेंगे, और चौथे में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसी को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, जैसे इसको यहाँ पे क्या बोलते थे, डोनर इम्प्योरिटी, ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था, वैसे ही जब ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग करते हो तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलोगे, एक्सेप्टर, मतलब कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये कहीं अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्या समझे कि जब भी तुम्हें पी टाइप का मटेरियल चाहिए होगा तो उसमें ट्राई वैलेंट एटम की डोपिंग करोगे, ठीक है, और जब भी तुम्हें एन टाइप का मटेरियल चाहिए होगा सेमीकंडक्टर तो उसमें पेंटावेलेंट की डोपिंग करोगे। अब देखो, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो कि पहले हमारा सिंपल था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, शुद्ध सेमीकंडक्टर था, उसमें किसी भी चीज़ की कोई डोपिंग नहीं थी, तो उसमें क्या था, उसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मिलते हैं, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के कारण एक दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो उसके कारण कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। अब हम लोग कंडक्टिविटी डोपिंग करके कैसे बढ़ा लेते हैं, देखो, अगर एक फास्फोरस का एटम डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, ऐसे ही अगर समझो 10 एटम तुम फास्फोरस के डालोगे तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऐसे ही जितनी तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसके हिसाब से तुम डोपिंग करते हो, तो उतने ही तुम्हें क्या होगा, अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और वैसे ही पेंटावेलेंट, ऐसे ही पी टाइप में होता है, जितने तुम्हें अधिक होल चाहिए होंगे उतना ही ज़्यादा तुम क्या करोगे, ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग करोगे। तो ये तुम्हारे हाथ में डिपेंड करता है कि तुमको कितनी कंडक्टिविटी चाहिए, अगर कंडक्टिविटी अधिक चाहिए तो डोपिंग अधिक करोगे, और अगर कंडक्टिविटी कम चाहिए तो डोपिंग कम करोगे। तो इस पे भी कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो क्या होगा, बढ़ेगा जब भी हम लोग डोपिंग करते हैं। तो और जनरली जो हम लोग डोपिंग करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, 10^10 एटम होता है, सपोज इतने सिलिकन के एटम है तो उसमें हम लोग एक एटम इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं।
ये जनरल केस में होता है। अगर जैसे जब जेनर डायोड पढ़ोगे, जब जेनर डायोड पढ़ोगे या टनल डायोड पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि हाईली डोपिंग करते हैं। तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, 10^6 एटम ऑफ सिलिकन्स में एक एटम हम लोग इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं। तो वही चीज़ है, इसमें हम लोग कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमें यूज़ करना रहता है डिवाइस का, जिस उस डिवाइस से जिस तरह का एप्लीकेशन लेना रहता है, उसी तरीके से उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जितना पढ़े उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो एक चीज़ और होता है कि देखो इसमें क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट देखो एन टाइप्स में, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि डोनर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे तुम फास्फोरस की डोपिंग किए, फास्फोरस के पास कितने 15 इलेक्ट्रॉन थे और 15 प्रोटॉन थे। ठीक है, अब 15 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 तुम्हारे बाहरी कोष में थे। ठीक है, ये क्या थे तुम्हारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से 4 तो तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये फ्री हो गया तो ये फ्लो करके करंट फ्लो करा दिया जब इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट किया। तो ये जब बाहर चला गया तो अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इसके पास कितना है 15। तो अब यहाँ पे ये एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये 15 पॉजिटिव और 14 निगेटिव, मतलब कि एक चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि जो भी तुम्हारा डोनर डोनर एटम होगा, डोनर इम्प्योरिटी होगा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब तुम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी डालोगे, या जिसको क्या बोलते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ लेना। अब देखो इसीलिए जब पी टाइप मटेरियल को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, देखो जनरली क्या करते हैं, जितने भी इसमें पी टाइप कैसे बनाओगे, इसमें डोनर इम्प्योरिटी दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगे रहेंगे। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा, सॉरी एन टाइप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक, और इसी तरह जब पी टाइप बनाओगे तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, निगेटिव आयन्स और इसके साथ होल्स, निगेटिव आयन और इसके साथ होल्स, निगेटिव आयन और इसके साथ होल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, और ट्राईवेलेंट मतलब जिसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी को देखो ये डायग्राम से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे होल्स था जब बोरान डाले थे तो होल्स मिला था। तो इसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो तुम केमिकल स्ट्रक्चर हो गया तो हर जगह तुम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करोगे, ये तुम्हारे समझने के लिए था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जब तुम डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, एन टाइप के लिए ऐसे बनाओगे और पी टाइप के लिए ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब एक साथ मिलाते हैं तो डायोड बनता है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो उसके